राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कथा सरित सागर से चुनी हुई ये कहानी पहचान। कन्नौज का राजा था चंद्रापीड। उसके दरबार में धवलमुख नामक व्यक्ति काम करता था। राजसभा में होने के कारण धवलमुख का परिचय नगर के बड़े बड़े लोगों से था। एक दिन धवलमुख अपनी पत्नी से अपने मित्रों के बारे में बात कर रहा था, तो पत्नी ने पूछ लिया, आप कहते हैं कन्नौज में आपके बहुत से मित्र हैं, उनमें से सबसे अच्छा आप किन्हें मानते हैं? अब मेरा परिचय और मित्रता तो बहुत से लोगों से है, पर उनमें से दो लोग मेरे ज्यादा निकट हैं। एक हैं कल्याण वर्मा तथा दूसरा वीर बाहु। उसके बाद से धवलमुख पत्नी के सामने प्राय कल्याण वर्मा और वीर बाहु की चर्चा करता। रात को देर से लौटता तो कभी कहता कल्याण वर्मा के पास गया था और कभी वीर बाहु का नाम लेता। एक दिन पत्नी ने कहा, मुझे तो आज तक आपने अपने मित्रों से मिलवाया ही नहीं, कभी ले चलिए ना। इसमें क्या परेशानी है भला, कल ही चलते हैं, तुमसे मिलकर उन्हें प्रसन्नता होगी। अगले दिन धवलमुख अपनी पत्नी को लेकर कल्याण वर्मा के घर गया। कल्याण वर्मा एक हवेली में रहता था। धवलमुख ने अंदर खबर भेजी। कल्याण वर्मा तुरंत बाहर आया। अरे आओ मित्र आओ, हाँ, मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, आओ। धवलमुख और उसकी पत्नी को कल्याण वर्मा आदरपूर्वक घर में ले गया। नौकर भाग दौड़ करने लगे। धवलमुख की पत्नी आश्चर्य से देख रही थी। थोड़ी ही देर में सामने अनेक पकवान सज गए। खाइए ना, अरे खाइए, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, लीजिए ना थोड़ा और। धवलमुख की पत्नी ने इतना आदर सत्कार कभी नहीं देखा था। वो कल्याण वर्मा से बहुत प्रभावित हुई। जलपान के बाद कल्याण वर्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। जलपान के बाद भोजन की बारी आई। कैसी शानदार दावत थी। फिर रथ मंगवाकर स्वयं उन्हें घर तक छोड़ने भी गया। आपका ये दोस्त तो अद्भुत है, अतिथियों का इतना स्वागत सत्कार करते मैंने किसी को नहीं देखा। सचमुच कल्याण वर्मा बहुत अच्छा मित्र है। पत्नी की बात सुनकर धवलमुख मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कल तुम मेरे साथ वीरबाहु से मिलने चलना, फिर तुम्हें दोनों का अंतर पता चल जाएगा। अगले दिन धवलमुख अपनी पत्नी को लेकर वीरबाहु से मिलने गया। वीरबाहु एक साधारण घर में रहता था। वो कल्याण वर्मा जितना संपन्न नहीं था। जैसे ही ये पति पत्नी उसके दरवाजे पर पहुंचे तो वीरबाहु अंदर से निकला। अरे आओ मित्र, अंदर चलो, मुझे एक आवश्यक कार्य से तुरंत कहीं जाना है, थोड़ी देर में लौटूंगा। धवलमुख की पत्नी आश्चर्य से वीरबाहु को जाते हुए देखती रही। उसे ये अपना अपमान लगा। हमें अब घर लौट चलना चाहिए, आपके मित्र ना जाने कब तक लौट कर आएंगे। क्या, अरे नहीं नहीं, इस तरह पीछे से चले जाना ठीक नहीं। वो जल्दी वापस आने की बात कह गया है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, उससे मिलकर ही जाएंगे। धवलमुख की पत्नी का मन वहां रुकने का नहीं था, फिर भी वो पति का कहना मानकर अंदर चली गई। कितना असभ्य है इनका मित्र, क्या घर आए मेहमान का
ऐसे स्वागत किया जाता है? वीरबाहु का घर अत्यंत साधारण था। देखने से लगता था कि वीरबाहु के दिन गरीबी में बीत रहे हैं। कक्ष में हल्का प्रकाश था, फर्श पर एक पुरानी चादर बिछी हुई थी। दोनों उसी पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वीरबाहु की पत्नी फल लेकर आई। वो धवलमुख की पत्नी के पास बैठकर बातें करने लगी, पर धवलमुख की पत्नी का मन वहां नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वीरबाहु लौटकर आ गया। उसके साथ तीन लोग और थे। क्षमा करना धवलमुख, कुछ अधिक ही देर लग गई। जल पिया या नहीं? अरे हाँ, फल भी लिया। तुम कुछ चिंता मत करो। इसके बाद वीरबाहु अपने साथ आए हुए तीनों आदमियों के साथ बातें करने लगा। बीच बीच में वो धवलमुख और उसकी पत्नी से भी बातें करता जाता। इसी तरह काफी समय बीत गया। अब हमें चलना चाहिए, आए हुए काफी समय हो गया है, घर पहुंचने में रात हो जाएगी। अरे हाँ, अब चलना ही ठीक रहेगा, वीरबाहु भी काफी व्यस्त है। धवलमुख और उसकी पत्नी उठ खड़े हुए। अरे चल क्यों दिए? अब जाने दो मित्र, मुझे एक आवश्यक काम याद आ गया है। ठीक है, अच्छा फिर आना धवलमुख, आज तो मैं काफी व्यस्त रहा, ठीक से बातें ही नहीं हो सकी। अरे उसकी कोई बात नहीं, अच्छा चलते हैं। अच्छा, धवलमुख की पत्नी ने वीरबाहु की बहुत आलोचना की। क्या खूब है आपका मित्र, कहां कल्याण वर्मा और कहां आपका वीरबाहु, एक आकाश तो दूसरा पाताल। पत्नी की बात सुनकर धवलमुख मुस्कुराने लगा। तुमने मेरे मित्र को सही कसौटी पर नहीं कसा। कई बार हम जो कुछ देखते हैं वही सच नहीं होता। वीरबाहु मेरा बहुत अच्छा मित्र है। आपकी नजर में हो सकता है, लेकिन मैं तो कल्याण वर्मा को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। क्या तुम सचमुच जानना चाहती हो कि दोनों में सच्चा मित्र कौन है? तो एक काम करो। और धवलमुख ने पत्नी को बता दिया कि उसे कैसे क्या करना है। रात के समय धवलमुख की पत्नी कल्याण वर्मा की हवेली पर पहुंची। उसने अंदर खबर भिजवाई। कल्याण वर्मा तुरंत बाहर आया। धवलमुख की पत्नी को द्वार पर खड़ी देख चौंक उठा। अरे आप इस समय कैसे? कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है, आपके मित्र गहरे संकट में फंस गए हैं। क्या क्या हुआ, क्या हुआ धवलमुख को? कल ही तो हम लोग मिले थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं बताई थी धवलमुख ने। हाँ, कल ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अभी कुछ देर पहले राज सैनिक आए, उन्हें बंदी बना के ले जा रहे हैं। राजा ना जाने उनसे क्यों एकाएक क्रोधित हो उठा है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, ना जाने राजा उन्हें क्या दंड दे डाले, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। क्या क्या क्या, राजा धवलमुख से नाराज हो गया? लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं, आप तो नगर के इतने बड़े सेठ हैं, आप ही चलकर राजा को समझाइए, अपने मित्र को बचा लीजिए। राजा के क्रोध की बात सुनकर कल्याण वर्मा भयभीत हो उठा। वो तो बस धन और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना जानता था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो घबरा कर बोला, क्षमा करें, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मान लीजिए राजा मुझ पर ही क्रोधित हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाऊंगा। आप ऐसा करिए, स्वयं राजा के पास चली जाइए, अपने पति को छोड़ देने की प्रार्थना कीजिए। आ जाइए, जल्दी जाइए, कहीं राजा के सैनिक धवलमुख को पकड़ कर ना ले गए हों।
धवल मुख की पत्नी ने कल्याण वर्मा से बहुत कहा, पर वो अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हुआ। धवल मुख की पत्नी वहां से वीरबाहु के घर की तरफ चल दी। अरे आप रात में इस तरह अकेली? धवल मुख कहां है? सब कुशल से तो है ना, जल्दी बताइए। हम तो गहरे संकट में फंस गए हैं। क्या हुआ? ना जाने क्यों राजा मेरे पति से किसी बात पर क्रोधित हो गए हैं। अरे आपके मित्र को बंदी बनाने के लिए सैनिक भेजे हैं। क्या? हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। इस संकट की घड़ी से मुझे निकालिए, मुझे आप ही का सहारा है। परंतु ऐसा कर क्या दिया है धवल मुख ने? शायद किसी ने उनकी झूठी शिकायत कर दी है। वीर बाहु अत्यंत वीर और निर्भीक स्वभाव का था। वो उसी समय अंदर गया और नंगी तलवार लेकर बाहर आया। आइए, मैं चलता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे रहते हुए धवल मुख को कोई हाथ भी कैसे लगाता है। लेकिन आप अपने को संकट में क्यों डालते हैं? कहीं राजा आपको भी बंदी ना बना ले। देखिए, वीर बाहु न गलत काम करता है और न किसी से डरता है। धवल मुख मेरा मित्र है। अगर उसके प्राण बचाने में मुझे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े तब भी मुझे कोई चिंता नहीं। आइए मेरे साथ। वीर बाहु उसी समय धवल मुख की पत्नी के साथ चल दिया। वो रास्ते भर उसे धीरज बंधाता रहा। जब वीर बाहु धवल मुख के पास पहुंचा तो देखा वो आराम से बैठा है, राज सैनिक कहीं नजर नहीं आए। अरे धवल मुख, क्या बात थी, ये राज सैनिक कहां गए? धवल मुख ने बात बता दी, क्योंकि उसने पत्नी को तो झूठ कहकर भेजा था ना। मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें बेकार ही तकलीफ दी। राज सैनिक गलती से यहां आ गए। असल में तो सैनिकों को कहीं और जाना था, बात बिगड़ने से बच गई। वैसे न जाते तो अब जाना पड़ता सैनिकों को। मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता धवल मुख। देखो अब रात काफी हो गई है, मैं बाहर पहरा दूंगा। हो सकता है राजा फिर से सैनिक भेजे तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं उनसे बाहर ही निबट लूंगा धवल मुख, अंदर तक नहीं आने दूंगा। अरे नहीं वीर बाहु, तुम तो बहुत चिंतित हो उठे। मुझे विश्वास है अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ देर ठहर कर वीर बाहु चला गया। धवल मुख की पत्नी ने कहा, आपने ठीक ही कहा था कि कभी कभी जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। ऊपर से देखने पर कल्याण वर्मा कितना अच्छा मालूम देता है, पर ये सब दिखावा है। वीर बाहु ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। वो तुम्हारे लिए प्राणों की बाजी लगाने तक को तैयार हो गया। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं हो सकता। आपने ठीक ही कहा था। पहचान, अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। आलेख देवेंद्र कुमार, कलाकार SM जहीर, पूनम माथुर, अरुण माथुर, विकास मेहरोत्रा और ममता गुप्ता। ध्वनियांकन पुष्पलता मिगलानी, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत गुप्ता।